देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। विशेष तौर पर आज भिवंडी शहर में पुलिस परिमंडल 2 के DCP योगेश चौहान जी जगह जगह पर आज दौरा किए। दौरा करने का मुख्य कारण यह था कि जैसे कि आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा त्यौहार यानी कि आज बड़ी रात रहती है शबे बारात की। वहीं बात की जाए तो आज हिंदू धर्म का जो है होली का त्यौहार था। ऐसे में बंदोबस्त को लेकर DCP योगेश चौहान जी ने आज भिवंडी के हर क्षेत्र में जाकर दौरा किया कि पुलिस वहाँ पर किस तरह का मतलब अपनी सुरक्षा को लेकर तैनात है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कोरोना का जो गाइडलाइंस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जनता यानी कि जनता कर्फ्यू का जो एक हवाला दिया है, और हम कह सकते हैं कि जैसे कि जनता से अपील भी की है कि जनता कर्फ्यू का पालन करें। तो भिवंडी शहर में DCP योगेश चौहान जी से हम बात करेंगे कि भिवंडी में पुलिस का क्या रोल है, क्या भूमिका है जनता कर्फ्यू को लेकर, और साथ ही साथ देखा जाए जो आज जो हिंदू मुस्लिम का जो त्यौहार है, सर क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए आज मुस्लिम समुदाय की बड़ी रात भी है साथ ही साथ होली का त्यौहार भी है, पुलिस किस तरह से मतलब अपनी बंदोबस्त सुरक्षा को तैनात की है? आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो हिसाब से गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है कि आज से रात के मतलब 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। 5 और 5 से ज़्यादा लोग अगर रास्ते पे दिखेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो एस्टेब्लिशमेंट्स है जैसे होटल्स है, चाय की दुकान है, बार है, रेस्टोरेंट्स है, ये सभी तरीके की दुकान जो खुले रहेंगे तो उनके ऊपर हम कोविड के तहत कार्रवाई करने वाले हैं। भिवंडी शहर में बहुत ही अच्छा माहौल है, लोग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इसके पहले भी उन्होंने पुलिस का बहुत ही साथ दिया है। जो जो पुलिस ने कहा है, कॉरपोरेशन ने कहा है, वो चीज़ मानी है। इसकी वजह से ही पूरे भिवंडी शहर में कोरोना जिस तरह बाहर ज़्यादा फैला हुआ है उतना भिवंडी शहर में नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर ये भी शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका सख्ती से पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आज होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में भी जो है 8 के पहले ही होली जलाओ, और 8 के बाद पूरी तरीके से सभी लोग जो है मतलब वो कोरोना का पालन करेंगे। सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू जैसा पूरा माहौल रहेगा, और बड़ी रात के दिन, आज की बड़ी रात है, तो मैंने खुद हर जगह जहाँ बड़े कब्रस्तान है हर एक पुलिस स्टेशन में वहाँ जाके मैंने मुआयना किया है। तो वहाँ पे लोगों को ट्रस्टी मौलाना उनसे मिलके मैंने उनको बताया है, समझा है, और ऐलान करने के लिए बोला है कि 8 बजे के बाद कोई जो है ये कब्रिस्तान की तरफ नहीं आएगा, 8 के पहले जो इबादत करनी है वो कर ले। इस तरीके से हमने जगह जगह जाके बताया है, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन है कि ज़्यादातर मात्रा में लोग यहाँ रास्ते पर आते हैं, सब इबादत के लिए आते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसके कारण बहुत से लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, ऑलरेडी BP है, डायबिटीज़, वो भी और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, उनको कोरोना हो सकता है और ज़्यादा मौतें हो सकती है। तो ये हमने समझना चाहिए, इसी के कारण अभी प्रशासन पूरे शक्ति में आ गया है, और हमारी कोशिश है कि भिवंडी शहर में कोरोना का फैलाव ना हो, इसीलिए ये जनता कर्फ्यू जो है शासन ने जो लगाया है आज से, इसलिए हम वो हर जगह जाके पूरे पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट स्पॉट है, जहाँ जहाँ कब्रस्तान है, वहाँ अनाउंसमेंट हमारा चल रहा है, और एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए हमने जो है आज रूट मार्च भी निकाला। सभी जो हमारे ऑफिसर्स है, PI है, इंस्पेक्टर्स, API, PSI से लेकर कॉन्स्टेबल तक, हर एक पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर, सीनियर PI, ACP इसमें शरीक हुए, और उन्होंने हर जगह पे रूट मार्च निकाला है। ये सब जनता के लिए, इसलिए जनता से मेरा आह्वान है कि उन्होंने शासन ने दी हुई गाइडलाइन जो है उसका पालन करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम आने वाले दिनों में हम खुद को बचा सकते हैं, हमारे फैमिली को बचा सकते हैं, पूरे भिवंडी शहर को बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में DCP योगेश चौहान जी, जिन्होंने जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी से अगर हमें लड़ना है, अगर उसे ख़त्म करना है, तो पूरी तरह से जनता कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज होली दहन है, रात के 8 बजे के बाद कोई होली दहन नहीं करे, पुलिस ने अपील भी की है। साथ ही साथ बड़ी रात है, तो हम आपको बता दें कि DCP योगेश चौहान जी ने सभी जगहों पर दौरा भी किया,
पुलिस जो है, हम आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू को लेकर काफ़ी सख्त होती हुई दिखाई दे रही है।